हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू वी फ्री मैथ सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग बना चुके हैं। नाउ लेट वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बोलना चाहती हूँ कि यदि मैं आप लोगों को बहुत ही छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग आराम से बना सकते हो ये घर में, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ओके। और पिछले जितने भी चैप्टर 6 का 6.1, 6.2 ये सब मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना, ओके। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सैंतनी एक सरल रेखा AB बनाई, हम उस सरल रेखा पर किसी बिंदु P से दूसरी एक किरण PQ बनाते हैं। इसके फलस्वरूप दो संलग्न कोण एंगल PQB और एंगल PQA बने। चांद की सहायता से एंगल PQB और PQA का परिमाप लें एवं PQB प्लस एंगल PQA इक्वल टू कितना है वो लिखें, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। शांतनी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के आते हैं, तो आप लोग इसे ये कर लेना, अच्छी तरह से देखना और मेरे वीडियो को पूरी तरह से पूरा वीडियो देखना ताकि आप लोग को हर एक सम्स अच्छी तरह से समझ में आए, ओके। सो यहाँ एक शांतनी ने एक सरल रेखा यानी एक स्ट्रेट लाइन शांतनी ने लिया है, जिसमें सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन का नाम यहाँ पे A और B है, ओके। अब यहाँ AB एक सरल रेखा है, वो स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट P लिया गया है। कहीं भी हम पॉइंट P ले लेते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट P लेते हैं, ओके। अब यहाँ एक पॉइंट P लिया गया है जिससे कि PQ एक स्ट्रेट लाइन खींचा गया है, ठीक है, PQ इस टाइप से, और जिससे कि एंगल मेरा PQB बना और एंगल PQA बना, मेरा भी एंगल PQB और PQA बन गया है, ओके। अब जो ये एडजेसेंट एंगल यानी संलग्न कोण जो मेरा दोनों बना है, इसको बोला जा रहा है कि चांद की सहायता से इनको परिमाप करें, चांद की सहायता से आप लोग परिमाप कर लेना। मेरा इस टाइप का है, आप लोग कैसे भी यहाँ पे एंगल इस टाइप से भी ले सकते हो, सीधा में भी ले सकते हो। ये P है मेरा, AB, और ये मेरा Q है, सो PQB एंगल एंड एंगल PQA, ओके। यहाँ पे दोनों एंगल बने हैं, ऐसे भी हम ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे इस तरफ से बनाती हूँ, ये लेकर आप लोग विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप लोग माप लेना। चलो मैंने माप लिया, सपोज मैंने यहाँ लिया 60 डिग्री और ये मैंने ले लिया 120, आप लोग माप के ऐसे करना चांदा की सहायता से विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल PQB इक्वल टू, हम यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे एंड एंगल PQA इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों को ऐड करके कितना हो रहा है, आप लोग ये बताओ। सो हम लिखेंगे यहाँ एंगल PQB प्लस एंगल PQA इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 120, दैट इज 180 डिग्री, ओके आंसर। सो हम लोग ये बोलेंगे कि एंगल PQB प्लस एंगल PQA इक्वल टू 180 आया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, संलग्न कोण यहाँ पे एक लिया गया है, शकील दो संलग्न कोण एंगल ABC और एंगल ABD बनाया है जिसका योग 180 डिग्री है।
हम भी स्केल की तरह यदि एंगल एबीसी और एंगल एबीडी बनाकर देखें तो हमें ये देखना है कि डी बी और सी क्या एक ही सरल रेखा पे हैं, क्या ये लोग दे आर लाइज इन द सेम स्ट्रेट लाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ इट, एंगल एबीसी और एंगल एबीडी। ओके, तो आप लोग देखो यहाँ पे छोटा मैं ऐसे करके दिखाती हूँ, ए बी सी, सॉरी ए बी सी इस टाइप का हुआ और एंगल ए बी डी इस टाइप से होगा, ए बी और इधर डी, यानी कि मेरा इस टाइप से ही बनेगा। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यानी कि मेरा जो बी सी है वो नीचे रहेगा, एंगल ए बी सी हुआ और एंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, एंगल ए बी सी। ओके, अब हम लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरा ए बी सी है और एंगल ए बी डी ये जो मेरा बना वो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि डी बी और सी क्या एक ही सरल रेखा है, डी बी सी हमें भी अच्छी तरह से दिख रहा है कि डी बी सी एक ही सरल रेखा पे स्थित है, यानी दे लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सो हम लोग लिख सकते हैं वी सी दैट डी बी एंड सी lies on a same straight line। यह हम लोग देख सकते हैं कि डी बी सी एक ही सरल रेखा पर स्थित है। सो यह यहाँ पे प्रूव्ड हो गया कि हाँ एक ही सरल रेखा पे ये लोग स्थित हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यहां दिया हुआ है इस टाइप से यह बना हुआ है एक फिगर और इसमें बोला जा रहा है कि x का मान निर्णय करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फिगर। ओके, सो पहले हम इसे ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से एक इधर c गया है, उसके बाद इधर एक d जा रहा है और यहाँ ये एंगल मेरा x डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये मेरा 3x है। ओके, अब यहाँ पे x का वैल्यू पूछा जा रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखो एक कोई भी यहाँ पे अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हो ये टोटल 180 होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन का वैल्यू 180 होता है, ऐसे 180 होता है। तो हम देखेंगे पहले इन तीनों को सबको ऐड करेंगे, वी नो दैट एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, ये वाला एंगल। ओके, उसके बाद हम ये वाला एंगल ले रहे हैं एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए, डी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री होता है। सो ये एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका जितना वैल्यू है हमें पुट कर देना है, एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी कितना है x डिग्री है। ओके, प्लस एंगल सी ओ डी ये वाला कितना है 80 डिग्री है। सो 80 डिग्री प्लस एंगल डी ओ ए, डी ओ ए दैट इज 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब x के साथ x जुट जाता है यानी ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, सो 3 नंबर के साथ नंबर जुड़ता है, x नहीं जुड़ता, सो 3 प्लस 1 दैट इज 4x डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180।
4x इक्वल टू 180 माइनस, जब प्लस इक्वल के इधर आता है तो माइनस हो जाता है, दैट इज 80 डिग्री, यहाँ माइनस 80 हो गया, दैट इज 100 डिग्री, 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। सो x इक्वल टू 100 और x के साथ जो भी कुछ भी रहता है वो नीचे अपन यानी बाई में चला जाता है, बट्टे में चला जाता है 100 बाई x के साथ जो है 4। ओके सो 25 हम काट कर देखते हैं, सो 25 डिग्री। सो मेरा x का वैल्यू कितना आया, x इक्वल टू 25 डिग्री आंसर। ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए मैंने तीनों जो एंगल मेरा दिया हुआ है तीनों को मैंने ऐड करके इक्वल टू 180 लिया। उसके बाद x प्लस 80 जो जिसका जितना वैल्यू है वो मैंने लिखा, x के साथ x जुट गया और जो एंगल है एंगल के साथ माइनस हो गया, सो x इक्वल टू कट करके 25 डिग्री आया। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग इसे देखना, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आता है एग्जाम में। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, एक यहां पे फिगर दे दिया है और बोला है कि एंगल ए ओ पी, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ पी, एंगल बी ओ पी से, बी ओ पी ये वाले एंगल से 180 डिग्री ज्यादा है यानी अधिक है। सो एंगल ए ओ पी और एंगल बी ओ पी का मान निर्णय करें, यानी एंगल ए ओ पी और एंगल बी ओ पी इक्वल टू व्हाट, आपको ये देखना है। ठीक है, एंगल बी ओ पी आ, एंगल बी ओ पी ये जो है ये इससे बी ओ पी से एंगल ए ओ पी 180 डिग्री यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 140 डिग्री अधिक है, ज्यादा है, तो इन दोनों का मान निर्णय करना है यानी इनका वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम इसे मानते हैं, मेरा एंगल बी ओ पी यानी जो छोटा वाला एंगल है इसे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, लेट माना, लेट एंगल बी ओ पी इक्वल टू एक्स डिग्री, हमें पता नहीं है इसलिए हम एक्स मान रहे हैं। ओके, एंगल बी ओ पी इक्वल टू एक्स डिग्री, तो यहां पे दिया हुआ है कि बी ओ पी से ए ओ पी 140 डिग्री ज्यादा है, यानी मेरा जब इसका वैल्यू निकल गया यानी इसका वैल्यू हमें एक्स डिग्री निकला तो इसका हो जाएगा उससे 140 ज्यादा। ओके सो एंगल ए ओ पी इक्वल टू, यहां पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एक्स प्लस 140। सो जब हमें दोनों एंगल का वैल्यू निकल गया यानी हमें दोनों एंगल का वैल्यू पता है तो हम पुट करते हैं, यानी मेरा एक स्ट्रेट लाइन का वैल्यू होता है 180 डिग्री, सो हम लिखते हैं एंगल बी ओ पी प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके नाउ एंगल बी ओ पी इक्वल टू एक्स डिग्री प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू क्या है, एक्स डिग्री प्लस 140 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स एक्स 2x हो गया इक्वल टू 180 माइनस ये प्लस 140 है, जब इक्वल के इधर आएगा तो साइन चेंज यानी 140 माइनस हो गया, 180 माइनस 140, सो x या फिर एंगल 2x इक्वल टू, सॉरी 2x डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री, सो x इक्वल टू 40 बाई टू 20, दैट इज 20 डिग्री।
सो यहाँ पे मेरे x का वैल्यू कितना आया, x इक्वल टू 20 डिग्री। जब x इक्वल टू 20 डिग्री आया है, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOP एंड एंगल BOP। तो मेरा BOP x हम किसे माने थे, एंगल BOP को। सो एंगल BOP इक्वल टू 20 डिग्री, ओके, एंड एंगल AOP इक्वल टू, एंगल AOP इक्वल टू क्या है, x प्लस 140, दैट इज x प्लस 140। x का वैल्यू मेरा कितना आया, 20 डिग्री आया। सो 20 प्लस 140 दैट इज 160 डिग्री। सो एंगल AOP इक्वल टू 160 डिग्री एंड एंगल BOP इक्वल टू 20 डिग्री, ओके, दैट इज द आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, दो संलग्न कोणों का मान यहाँ पे 35 डिग्री और 145 डिग्री दिया हुआ है, तो संलग्न कोणों के बाहर स्थित भुजाएं दोनों किस तरफ अवस्थित हैं, लिखें, ओके। मेजरमेंट ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर 30 डिग्री एंड 145 डिग्री, सो लेट्स राइट हाउ द एक्सटर्नल साइड्स ऑफ दोज एंगल्स आर सिचुएटेड, किस तरह से ये अवस्थित हैं, ये हमें निकालना है। इसे हम पहले ऐड करके देखते हैं कि ये कितना हो रहा है, दोनों कोण, जो दोनों संलग्न कोण दिया हुआ है, यानी दो एडजेसेंट एंगल्स जो दिए हुए हैं, द टू एडजेसेंट एंगल्स आर 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री एंड 145 डिग्री, ओके। तो हम दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कितना आ रहा है। नाउ 35 डिग्री प्लस 145 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री आया, यानी जो ये 180 डिग्री आया, इसका मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का वैल्यू ही होता है 180 डिग्री। सो यदि दो संलग्न कोण यहाँ, दो एडजेसेंट एंगल्स जहां भी हैं, जैसे इस टाइप से यदि बने होंगे, ऐसे बने होंगे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है सपोज जैसे 35 डिग्री है और 145, तो इस टाइप से इसके इसका ड्रॉ हो सकता है 35 डिग्री एंड इधर वाला हो सकता है 145 डिग्री। अब दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरा 180 यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आ गया। सो यह एक स्ट्रेट लाइन है और इनके जितने भी ये जो कोण, ये जो इनकी भुजाएं हैं, यानी जो इनके साइड है, वह सेम स्ट्रेट लाइन पे स्थित है, यानी कि वो लोग सेम एक ही सरल रेखा पे स्थित है, दे लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दे लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, वे लोग एक ही सरल रेखा पे स्थित हैं, ठीक है। वे लोग एक ही सरल रेखा पे स्थित हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ऐसे 1 और 2 मार्क्स के आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर इस टाइप से है, दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो चित्र में, पास के चित्र में ओ ए, यानी ये ओ ए और ओ ई किस रूप में स्थित है, ये हमें निकालना है। फ्रॉम द फिगर ओ ए एंड ओ ई लाइन सेगमेंट आर सिचुएटेड इन द विच मैनर, ओके। तो हमें ये निकालना है, ये हम कैसे निकालेंगे,
ये सबको हम यदि ऐड करके देखेंगे, यदि मेरा 180 डिग्री आ जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, दैट मीन्स ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे स्थित है। तो हमें पहले ये निकालना होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले एंगल, ये वाला ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस ये एंगल बी ओ सी, ये एंगल, एंगल बी ओ सी, यहां फिर करते हैं हम प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई, ये एंगल डी ओ ई, डी ओ ई, ओके। एंगल ए ओ बी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 20 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ये एंगल दैट इज 55 डिग्री, ओके। प्लस एंगल सी ओ डी, ये एंगल सी ओ डी दैट इज 81 डिग्री, प्लस एंगल डी ओ ई, डी ओ ई 24 डिग्री, ओके। आप लोग ऐड करो इसे, कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री, यानी यहां पे 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब यह सेम स्ट्रेट लाइन पे है, यानी यह एक सेम एक ही सरल रेखा पे स्थित है, तो हम इसे लिख सकते हैं, सो ओ ए एंड ओ ई आ सिचुएटेड, एक ही सरल रेखा पे स्थित है, ओ ए एंड ओ ई सिचुएटेड ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, ओके। एक ही सरल रेखा पे यह स्थित है, एक ही सरल रेखा पर स्थित है, ओके। क्योंकि यहां पे मेरा इन सब का वैल्यू आया 180 डिग्री, 180 दैट मीन्स वन स्ट्रेट लाइन। सो यह जो ई ओ और ए है, ये जो तीनों पॉइंट एक ही सरल रेखा पे स्थित है, यानी यहां पे ओ ए एंड ओ ई एक ही सरल रेखा पे स्थित है, दे लाइज और दे सिचुएटेड ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 12 के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना। होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया हो। सो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।